चार आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों ये जोज नंबर था हमारा 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 8 करेंगे, जोज नंबर 8 3D। बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया। डी कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे। डी कॉलम हमारे पास क्या, 1 2 3 -1 0 2। तो बच्चों क्या करेंगे, इस 3 को इस पूरे कॉलम के साथ क्या कर देंगे, जरब कर देंगे। बच्चों क्या करेंगे, जरब कर देंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 2 6, 3 3 9। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3। 3 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0। 3 2 6। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों जोज नंबर इसका करेंगे 9। जोज नंबर 9 है बच्चों, ये 3C है, ये 3। इसी तरह आ गया, C की वैल्यू पुट कर देंगे। C का मतलब क्या हमारे पास, 1 -1 -1 2। 3 को इस पूरे कॉलम के साथ क्या करेंगे, जरब कर देंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3। 3 2 3 2 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब